नूरपुर के विधायक अजय महाजन द्वारा नूरपुर के लोक निर्माण विश्राम गृह में 15 महिला मंडलों को अच्छे काम के लिए इनाम दिए गए। 15 महिला मंडलों को इनाम के तौर पर 1,84,000 के चेक बांटे गए। इस कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल की एक पंचायत को नूरपुर ब्लॉक द्वारा आवंटित किए गए मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता क्यों दी गई, इसका पलटवार करते हुए अजय महाजन ने पूर्व भाजपा विधायक पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व विधायक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत है, जिसका ना तो कोई सिर होता है और ना ही कोई पैर। उन्होंने कहा कि अगर मकान गरीब लोगों को बांटे जाते तो ये गरीब लोगों का हक है। अगर किसी गरीब के घर के ऊपर छत नहीं है और ग्राम सभा उसे पारित करती है कि गरीब आदमी को मकान मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर गरीब आदमी को मकान मिल गया तो इसमें क्या बुरी बात है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व विधायक तथ्यों से परे बात करते हैं तो वे एक स्कैंडल खड़ा करते हैं जो कि स्वस्थ राजनीतिक नहीं है। कहूंगा उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत है, जिसका कुछ ना कुछ सिर होता ना पैर होता है। अगर ये मकान गरीब आदमियों को बांटे जाते हैं, ये उनका हक है। अगर किसी घर के ऊपर छत नहीं है और ग्राम सभा वो आइडेंटिफाई करती है कि ये गरीब आदमी इनको मकान मिलना चाहिए, तो अगर उनको मकान मिल गया तो उससे बुरी बात क्या है। और तथ्यों से परे जब बात करते हो सिर्फ एक स्कैंडलाइज करने के लिए और एक सेंसेशनलाइज करने के लिए, तो मैं सोचता हूं कि ये स्वस्थ राजनीति का अच्छा परिचय नहीं है। कि डेवलपमेंट जितनी कर सको बनाओ, पहली मेरी मांग थी। पहली बार जो एमएलए बन के जाता है, जो यहाँ पे प्रधान भी होंगे जो पहली बार जब बने थे, उनको सीखने में टाइम लग जाता है। और विधानसभा का जो एमएलए बनता है, एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र होता है। और मुझे याद है जब मेरे पिताजी 23 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो मैं उनके साथ काम करता था, तो जिम्मेवारी देनी होती थी क्योंकि एक हौसला होता था कि 7-5 मिनट बैठे हैं हम आगे उनका काम करते थे। और जिस दिन चुनाव में लड़ रहा था और जब मुझे सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, उसी वक्त मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैं कहीं ये हजारों की संख्या में लोग नारे लगा रहे हैं और मुझे कंधों पर उठाया हुआ है, इनकी कितनी अपेक्षाएं होंगी मेरे ऊपर। और उसी वक्त मुझे डर लगना शुरू हो गया था, मैं नहीं अपेक्षाओं में कैसे उतरूंगा। मैं ये तो मुझे इतनी मेहनत करके जिता के लाए हैं और सबने सोचा है कि हमारा बड़ी इलेक्शन भी एमएलए बन के आ रहा है और हमारी साथी जो दुख दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। और मुझे याद है कि लोगों ने मुझे कंधों पे उठाया हुआ था, नारे लगा रहे थे और मेरा दिमाग मान रहा था कि मैं इनकी जो अपेक्षाओं से कैसे खड़ा उतरूंगा।